प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बातें करते हैं एडजेक्टिव के नेक्स्ट फोर्थ रूल की, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू ईच वन, जो एक प्रत्येक एक को यहाँ पर रेफर करता है। जैसे यहाँ चार ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल तीन होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ये एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच, एवरी, वन, टू, थ्री और फोर, ये चार होते हैं, लेकिन प्रोनाउन तीन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीन होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चार होते हैं। ईच बॉय, जैसे यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये ईच दिया हुआ है, ये एडजेक्टिव है, ईच बॉय विल सो हिज वर्क, इस तरीके से है। नाइदर रोड, रोड यहाँ नाउन है और ये नाइदर यहाँ पर एडजेक्टिव है। इज सेफ एट दिस आवर, इस तरीके से नाइदर रोड इज सेफ एट दिस आवर, इस तरीके से यहाँ यूज किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम बातें करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये है मेन हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में सेवरल टर्म्स पूछे गए हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ये नाउन है ईच, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने पहले भी बताया था प्रोनाउन पढ़ाते समय कि प्रोनाउन सिंगल आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव किसी नाउन से जुड़ कर के आते हैं। इस तरीके से ये ईच यहाँ पर एडजेक्टिव है, बॉय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ईच बॉय टुक हिज सीट, यहाँ पर ईच के बाद यदि ऑफ आ जाता है और देन नाउन आता है, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर ईच ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ईच ऑफ द बॉय टुक हिज सीट। नेक्स्ट बातें करते हैं यहाँ पर आइदर बॉय की, ये नाउन है, जस्ट नाउन से पूर्व आइदर का प्रयोग हुआ है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर आइदर के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये जो आइदर है ये यहाँ पर प्रोनाउन है। Either of you can solve this sum, इस तरीके से है। Neither statement बिल्कुल क्लियर है, noun से पूर्व neither का प्रयोग हुआ है, adjective है। Neither of हुआ है, ये यहाँ पर pronoun है, क्लियर है बिल्कुल। Neither statement is true, neither of the two sold the homework, इस तरीके से है। Next, every girl was happy, ये every यहाँ पर adjective है, गर्ल से पूर्व आया है, नाउन से पूर्व आया है, लेकिन एवरी कभी भी सिंगल एवरी की बात करेंगे, एवरी प्रोनाउन नहीं होता। प्रोनाउन केवल होते हैं ईच, आइदर और नाइदर, लेकिन एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं सम, एनी, एनफ, इस तरीके से यदि ये क्वांटिटी शो करने वाले नाउन से पूर्व आते हैं, जैसे ऑल है, तो ये क्वांटिटी को शो करता है। जिस तरीके से ही हैज ड्रिंक ऑल द मिल्क, यहाँ जो ये ऑल वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ही हैज रेड ऑल द बुक्स, यहाँ बुक्स होगा तो ये बुक्स को शो करता है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको हम काउंट कर सकते हैं बुक्स को, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। और यहाँ मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, केवल केजी में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो केजी के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे ऑल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी को शो करेगा। इसी तरीके से सम, मिल्क, सम यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पर जो ये सम है ये सम बुक्स, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इस तरीके से यहाँ अलॉट ऑफ दिया हुआ है, ये वाटर के साथ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को, राइस को, इस तरीके से, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ अलॉट ऑफ दिया हुआ है, ये पेंस के साथ आया जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बिल्कुल क्लियर है कि डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच में। थैंक यू।